नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जेला होम्योपैथी क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में। विटिलिगो एक स्किन प्रॉब्लम है, आप में से भी बहुत से लोगों ने देखा होगा। इसको हम हिंदी में सफेद दाग भी बोलते हैं। इस बीमारी के अंदर में हमारे जो स्किन होती है उसके ऊपर में सफेद दाग हो जाते हैं। ये ज्यादातर किसी के फेस पर, हाथों पर या पैरों पर भी होते हैं और धीरे धीरे ये पूरी स्किन पर भी फैल जाता है। तो इस तरह की जो बीमारी होती है उसको ही हम विटिलिगो बोलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि विटिलिगो होता क्यों है। तो फ्रेंड्स, हमारे स्किन के अंदर में मेलानिन नामक का पदार्थ होता है और उसी के कारण हमारे स्किन का कलर डिसाइड होता है। मोस्टली जैसे यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर उनकी स्किन में मेलानिन कम पाया जाता है जिसकी वजह से उनकी स्किन ज्यादा व्हाइट होती है। फिर हम इंडियंस के अंदर में मेलानिन उनके कंपेरिजन में ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन उनके कंपेरिजन में कम व्हाइट होती है। और जो अफ्रीकन कंट्रीज के लोग होते हैं उनके स्किन के अंदर में मेलानिन बहुत ज्यादा पाया जाता है जिसकी वजह से उनकी स्किन डार्क होती है। ये जो मेलानिन होता है उसका काम होता है हमारी स्किन को जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती है जिसको यूवी रेज भी बोलते हैं उनसे हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। तो ये मेलानिन हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है और हमारी स्किन में कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर कहीं से मेलानिन कम होने लगता है तो वहाँ की स्किन धीरे धीरे व्हाइट होने स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड के अंदर में 1-2% लोग इस बीमारी से पीड़ित है और अगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो 3-4% लोग इस बीमारी से पीड़ित है। फ्रेंड्स, वैसे विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती है जो हमारे शरीर को रोगों से बचाती है, वो कोशिकाएं ही हमारे शरीर की जो मेलानिन सेल्स होती है उनको पहचान नहीं पाती है और उनको धीरे धीरे खत्म करने लगती है जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है वहाँ वहाँ स्किन हमारी व्हाइट होने लग जाती है और विटिलिगो की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, हर इस तरह की दिखने वाली व्हाइट स्किन विटिलिगो नहीं होती है। इसके लिए हमें डायग्नोसिस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई दूसरी बीमारियों में भी हमारी स्किन कहीं कहीं पर व्हाइट होने लगती है जिसको हम कई बार विटिलिगो समझ बैठते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं जो कि ठीक नहीं है। देन इस तरह की दिखने वाली बीमारियों में कुछ एलर्जी के कारण भी हो सकती है, कुछ स्किन इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है, तो उनको उस बीमारी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना होता है। अब हम पता करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर आता है कि इसमें हमें धूप से बचना चाहिए क्योंकि हमारे स्किन के अंदर ऑलरेडी मेलानिन की कमी रहती है जिसकी वजह से जो सूरज से अल्ट्रावायलेट किरणें आती है वो हमारे शरीर पर नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह की बीमारी से पीड़ित जो भी लोग है वो अगर धूप में कम से कम निकले या धूप में अपने बॉडी को कवर करके निकले उतना ही उनके लिए सही रहता है और आगे होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा जब भी अगर बाहर धूप में निकले तो सनस्क्रीन का यूज जरूर करें ताकि स्किन को सनरेज ज्यादा इफेक्ट ना कर सके। इसके साथ साथ अपने बॉडी को जितना हो सके कपड़ों से कवर करके निकले, जैसे फुल स्लीव शर्ट पहन के, ताकि अपने बॉडी के पार्ट ज्यादा सनरेज के टच में ना। इस तरह की बीमारी में हमें केमिकल्स, रबर इनका इस्तेमाल करने से अपने शरीर को बचाना चाहिए। अपने बॉडी पर ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या उस तरह के केमिकल्स जो होते हैं उनका यूज ना करें जिससे आगे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो सके। फ्रेंड्स, ये बीमारी जिनको होती है वो मेंटली रूप से थोड़े परेशान भी रहते हैं जिस कारण वो स्ट्रेस भी ज्यादा लेने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, स्ट्रेस और इस बीमारी का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा है क्योंकि हम जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे ये बीमारी ज्यादा फैलने के चांस रहते हैं। इसलिए हमें स्ट्रेस या तनाव लेने से बहुत ज्यादा बचना चाहिए ताकि ये बीमारी और ज्यादा ना फैल सके। अब फ्रेंड्स, अगर हम कुछ भ्रांतियां की बात करें जो कि हमारे समाज में फैली रहती है और लोग बहुत ही ज्यादा मानते हैं, तो इसके बारे में जैसे लोग मानते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, इस तरह की बीमारी वाले को टच करने से ये बीमारी हो सकती है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बीमारी छुआछूत की बिल्कुल ही नहीं है और इसको टच करने से किसी को भी ये नहीं फैलती है, तो इस तरह की भ्रांतियां ना रखें। इसके साथ साथ कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम में सफेद पदार्थ खाने से बचना चाहिए जैसे कुछ खट्टी चीजें और होती है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इस तरह की बीमारी में हमें विटामिन ए ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, इसके साथ साथ विटामिन सी को भी ज्यादा लेना चाहिए जिससे हमारी स्किन प्रॉब्लम कम से कम हो। तो खट्टी चीजों के अंदर में विटामिन सी होता है जिसको हम ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। तो अगर इस बीमारी से कोई पीड़ित है तो उसको खट्टी चीजें खानी चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा हरी सब्जियां भी खानी चाहिए जिससे हमारे बॉडी के अंदर में विटामिन की पूर्ति होती रहे और साथ में फ्रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको भी रेगुलर खाते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी विटिलिगो के बारे में। अब अगर हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है जिससे हम विटिलिगो जैसी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए पूर्ण रूप से खत्म कर सकते हैं। तो मैं कुछ कॉमन मेडिसिन बताता हूँ जो कि विटिलिगो के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। उसमें से जो पहले नंबर पर मेडिसिन है वो है आर्सेनिक सल्फ्लेवम 30। ये मेडिसिन विटिलिगो जैसी स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और इसके साथ साथ विटिलिगो से सिमिलर अगर कुछ स्किन प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंद करके हमें दिन में 3 बार लेनी चाहिए।
और इसको लंबे समय तक कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्किन प्रॉब्लम ठीक होने में कुछ समय लेती है। तो हमें पेशेंस रखते हुए इसकी मेडिसिन को कंटिन्यू लेते रहना चाहिए। धीरे धीरे ये हमारे विटिलिगो जैसी स्किन प्रॉब्लम को खत्म कर देती है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर मेडिसिन आती है वो एसिडम नाइट्रिकम 30। ये मेडिसिन भी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए काफी इफेक्टिव है और विटिलिगो बीमारी के अंदर में इसको काफी यूज किया जाता है और ये काफी इफेक्टिव रिजल्ट भी देती है। इस मेडिसिन की भी दो दो गुण करके दिन में 3 बार करके कंटिन्यू लेती रहनी चाहिए, जिससे धीरे धीरे ये हमारी इस तरह की बीमारी कम होती है। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पर मेडिसिन आती है वो है CPR 200। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन भी विटिलिगो प्रॉब्लम के लिए बहुत असरदार मेडिसिन है। इस मेडिसिन को दिन में 1 बार लेनी होती है और इसको डेली लेना होता है। ये कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि विटिलिगो के लिए काफी इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर आपके सिम्टम्स कुछ अलग हो तो उसके अकॉर्डिंग और भी मेडिसिन हो सकती है। तो अपने आसपास में होम्योपैथी डॉक्टर के साथ अच्छे से कंसल्ट करने के बाद में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं वो आपको ज्यादा इफेक्टिव और जल्दी ठीक करेगा। इसके अलावा जो मैंने ये मेडिसिन बताई है ये विटिलिगो जैसी प्रॉब्लम में बहुत ही कॉमनली यूज होती है और इसको आप भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके शरीर पर कम सफेद दाग है तो ये बीमारी जल्दी ही ठीक होने के चांस रहते हैं, जैसे 2-3 महीनों के अंदर में। और अगर आपके शरीर में बहुत जगह पर फैल चुकी है तो उसको कम से कम 2-3 साल लगते हैं, तब तक हमको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ता है, जिससे कि ये बीमारी पूरी तरह से हमारे बॉडी से खत्म हो सके। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स और के साथ शेयर करके इस वीडियो का उनको भी लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे और आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाते रहें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।